हल्द्वानी शहर एक ऐसा शहर जिसे विकास का हब, मिनी देहरादून, पहाड़ का दिल्ली और ऐसे ही ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। और सही भी है, क्योंकि देहरादून के बाद हल्द्वानी ही एक ऐसा शहर है जिसने कम समय में ही विकास और प्रगति की ऊंचाइयों को छुआ है। मगर आज जो पहलू हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसा पहलू है जो कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए भी कि ये पहलू डराने वाला है और इसलिए भी कि ये पहलू कहीं ना कहीं समाज के घिनौने सच को उजागर करता है। जिस मात्रा में विकास हो रहा है उससे दुगनी मात्रा में अपराध और इंसानी जीवन को खतरे में डालने वाली गतिविधियां बढ़ रही है। इस पेशकश में हम बात करेंगे पिछले 10 दिनों के अंदर हुई कुछ ऐसी खौफनाक वारदातों की जिसने हल्द्वानी शहर को झकझोर कर रख दिया। एक ही दिन में 3 चोरियां। दिवाली के त्योहार से पहले बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आम जनता के पर्स और गहनों पर हाथ साफ करने जैसी वारदातों को अंजाम दिया। एक ही दिन में पहले एक महिला के गहने चोरी हुए, फिर एक और महिला का पर्स चोरी हुआ और आखिर में एक महिला के साथ पुरुष का भी पर्स किसी ने चोरी कर लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि तीसरी वारदात को अंजाम देने वाला खुद एक महिलाओं का गिरोह था। इस घटना पर जब जेजुएन की टीम ने जनता से बात की तो कुछ ऐसी थी जनता की प्रतिक्रिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं जिन लोगों से हमने बात करी है उन्होंने हमें क्या क्या बताया कि क्या क्या उनके साथ घटित हुआ है। क्या कुछ पूरी घटना हुई मैम, कब की बात है? ये दिन की 1:30 बजे की बात है, जब हम यहाँ शॉपिंग करने आए नंदी ज्वेलर्स से, तो वहाँ से हमारा पर्स के अंदर से बाहर जब हम शॉपिंग करके निकले और घर पहुँचे तो वहाँ से हमने देखा हमारे बैग में जो ज्वेलर्स जो हमने ज्वेलरी ली है वो नहीं है। उसके बाद हम अभी वापस आए हैं और थाने गए हैं, थाने में रिपोर्ट करवाई है सर से। बुजुर्ग महिला का शव। दिवाली के कुछ दिन बाद ही एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने शहर की जनता को हिलाकर रख दिया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। इस मामले की जब जेजे ने पड़ताल की तो पता चला कि कुछ दिन पहले इस बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी। रिपोर्ट भतीजे ने लिखाई थी कि मेरी बुजुर्ग चाची कुछ दिनों से लापता है, जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। रेलवे बाजार के होटल में लाश। शहर में शवों का मिलना तो मानो जैसे आम बात हो गई। कलावती पंचतत्वों में विलीन हुई ही थी कि हल्द्वानी रेलवे बाजार के एक होटल में एक और व्यक्ति के शव मिलने की खबर ने सबको खौफ के दलदल में धकेल दिया। जानकारी मिली कि ये व्यक्ति इस होटल में पिछले एक साल से रह रहा था और इसलिए अचानक घटी इस घटना ने न सिर्फ होटल स्टाफ बल्कि आम जनता को भी हिला कर रख दिया। सौरभ जोशी के घर चोरी। संगीन वारदातों से आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी त्रस्त नजर आए। हाल ही में यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर में हुई चोरी से हल्द्वानी के साथ साथ इंटरनेट भी सदमे में आ गया था। जेजुएन की टीम ने इस पूरे मामले को अच्छी तरह जनता के सामने रखा था और उनके घर जाकर जायजा लेने के साथ ही उनके पिताजी से भी बात की थी। इस घर की ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से जो चोर है वो एंटर हुआ है अंदर, करीब 1 बजे वो अंदर एंटर हुआ है। उसके बाद 3 घंटे तक वो घर के अंदर ही रहा है, क्योंकि घर के जो लोग थे वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से जो चोर था उसको एक अच्छा मौका मिल गया था घर के अंदर चोरी करने का। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब चोर अंदर गया, जब हमने इनके परिजनों से बात करी, सौरभ जोशी के परिजनों से जब हमने बात करी, तो हमें उन्होंने बताया कि वो अंदर जो आप सीधे जाएंगे तो एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। पहले जो चोर है उसने इसके तार काटे, उसके बाद इन्वर्टर को जाके बंद कर दिया, जिससे कि घर के जो सारे CCTV कैमरे हैं वो बंद हो जाए और वो आराम से जो चोरी की घटना है उसको अंजाम दे। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के बेटे पर फायरिंग। चोरी चकारी की घटनाओं को तब तक बड़ा या संगीन नहीं माना जाता जब तक लाखों की रकम ना हो या कोई कीमती सामान ना हो, मगर जान से कीमती क्या ही होगा। तो अगला मामला जो आया उसने आम जनता की रातों की नींद छीन ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के बेटे पर हुई फायरिंग की। 2 बाइक सवार बदमाश आए और घर के पास ही खड़े कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। गनीमत रही कि बेटे को कोई चोट नहीं आई, मगर अगले दिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने जो खुलासा किया उसने लोगों को हक्का बक्का कर दिया। कल एक्चुअली मैं यहाँ से अपना शॉप से निकलने के बाद मार्केट में थोड़ा काम निपटा होता है, जैसे घर पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी पार्क करके उतर ही रहा था, मैंने देखा कि 2 बाइक सवार युवक नकाबपोश एकदम मेरी बाइक कार के पास पीछे से आके रुकते हैं। उसमें से आगे वाला युवक कहता है कि मां साले गोली, तो आगे जो है वो लड़का पीछे वाला एकदम फायर करता है मेरे ऊपर। तो एकदम मैं डर जाता हूँ और मैं अपना गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, तो अचानक वो उनका वो फायर मिस होता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
हमने सुना है कि इससे पहले भी जो है आपको ऐसी अपहरण जैसी उनका धमकियां मिली हैं, कई इससे पहले भी आपको धमकियां मिली है, तो क्या है मतलब इससे पहले आपने कभी ऐसे पुलिस में कंप्लेंट की, क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये जो मनोज अधिकारी है ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है और कई बार में ये अभी आज से नहीं कर 5 सालों से उत्पीड़न कर रहा है, जान से मारने की धमकी, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, अवैध वसूली, इस तरह के इसके कई फ़ोन कई राज्यों से बार बार करवाता है ये हमें और नए नए नंबरों से रात बिरात कॉल करवाता है, धमकियां दिलवाता है, बड़े बड़े नामचीन गैंगस्टरों के नाम लेता है और कई बार ये धमकियां दिलवा चुका है हमें। मैंने इसके पूर्व में भी मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है जिसका मामला विचाराधीन चल रहा है न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, बाकी ये जमानत पे बाहर है। उसके बाद भी इसने दुस्साहस इतना बड़ा करा कि जो ये इतना बड़ा कांड किसने सरेआम करके दिया। इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस और फायरिंग करने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी का कत्ल। अभी फायरिंग वाला मामला शांत हुआ भी नहीं था कि एक ऐसी ही खौफनाक वारदात उसी दिन हुई जिसने जनता को अंदर तक झकझोर डाला। बाजपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल की पत्नी को उन्हीं के घर में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जेएजेएन की टीम पहुंची आम जनता के बीच और जो प्रतिक्रिया सामने आई उसने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। इस वारदात के बाद आम जनता खौफ की जद से बाहर नहीं आ पाई और जब इस वारदात का खुलासा हुआ और सच सामने आया तो जनता का खौफ कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। हमारा सिपाही था शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी की जो है 3 तारीख को हत्या हो गई थी मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत। पुलिस ने आज जो है इस घटना का खुलासा किया है जिसमें जो है मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा ये रहने वाला जो है ये सुनेरी किच्छा का है, तो इसको अरेस्ट कर पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल और जितना भी जो सोना गया हुआ था लगभग 3 लाख उसका, वो सारा बरामद कर लिया है और उसकी मोटरसाइकिल, जूते, कपड़े तो सारी 100% रिकवरी है। एक अच्छी घटना का जो है पुलिस ने रात दिन मेहनत करके जो है इसमें लगभग 500,000 के करीब पुलिस ने जो है इसमें CCTV कैमरे इसमें देखे है। इसमें हमारी 4 टीमें बनाई गई थी जिन्होंने एक अच्छा जो है एक टेक्निकल और फील्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है ये घटना का खुलासा, एक चैलेंजिंग घटना थी पुलिस के लिए जिसमें दिन रात एक करके जो है 2-3 दिन के अंदर ही पुलिस ने जो है इस घटना का खुलासा किया है। आम जनता को सदमे मिलने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, खबर इस बार और भी खौफनाक मिली क्योंकि इस बार वारदात में किसी और आरोपी या अपराधी का हाथ नहीं था बल्कि एक जीती जागती अनमोल युवा जिंदगी ने हार मानकर खुद ही हथियार डाल दिए थे। जब जेएजेएन इस युवक के घर पहुंची तो उस गमगीन नजारे को देखकर सच मानिए कोई भी रो देगा। इसी दिन एक और सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक मंदिर के पास ही एक बाबा का शव पेड़ से लटका मिला। इस मामले की पड़ताल पुलिस कर ही रही थी कि सॉरी बोलकर कभी न खुलने वाली नींद में सो जाने के मामले ने उस दिन को जनता के लिए खौफनाक बना दिया। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि हम उसी घर के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं जहां पर वो लड़का किराए पर रहता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो घर है पर्पल कलर का जो घर है ये वहीं पे रहता था और इस वक्त जो है जिस कमरे में वो रहता था उस वक्त आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे कुंडी लगा दी गई है। पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, कुंडी लगा दी है, कमरे को बंद कर दिया गया है और जो लड़के का शव था उसको लेके पुलिस वाले यहाँ से जा चुके हैं। ये लड़का जो है वो हल्द्वानी के ही दुर्गा सिटी सेंटर में एक शॉपिंग स्टोर था वहाँ पे वो काम करता था। करीब 1.5 साल से वो लड़का यहाँ पर रह रहा था जो कि दिनेशपुर का रहने वाला था। अकेला लड़का यहाँ पर रहता था, उसके माँ बाप जो हैं वो दिनेशपुर रहते थे। इसके अलावा लड़के ने सुसाइड किया है, बताया तो यही जा रहा है क्योंकि एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लड़के ने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी है कि वो उनका भरण पोषण नहीं कर पाया, उनका ढंग से ख्याल नहीं रख पाया और इस वजह से वो सुसाइड कर रहा है। अपराधों का ग्राफ कम होने के बजाय हर रोज बढ़ता रहा। अभी कुछ दिन पहले ही लालकुआ क्षेत्र से एक और वारदात का खुलासा किया गया जहां शराब के नशे में 2 लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की जीवन लीला पर ही पूर्ण विराम लगा दिया। जेएजेएन की टीम ने जब वहां के लोगों से बात की तो घटना का खौफनाक सच सामने आया। दोनों लोगों ने शराब पी रखी थी, शराब का सेवन कर रखा था, किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब लोगों को घटना की जानकारी हुई तब नैनराम जो था वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी लेकिन बीच रास्ते में उसे अस्पताल जब ले जाया जा रहा था तब उसने दम तोड़ दिया। पीछे जो मेरे घर देख रहे हैं वो सिकंदर का घर है, आरोपी जो सिकंदर है उसका ये घर है और जो घटना हुई है मैं भी आपको दिखाना चाहूँगी। जो अभी घटना हुई है वो इसी खेत में हुई है, कल दोनों ने यहाँ पे शराब का सेवन किया था, उसके बाद दोनों के बीच जो बहस हुई थी उसके बाद ये घटना घटित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटना पूरी हुई थी, यहाँ पे दिखाई जा रही है कि यही वो स्थान है जहाँ पर दोनों के बीच विवाद हुआ था और एक जो नैनराम है उनकी मौत हो गई। अभी एक दिन पहले ही एक और ऐसा ही मामला सुर्खियों में आया जहां शहर के रोडवेज के पास एक निजी होटल में एक व्यक्ति का शव पाया गया। इस मामले की भी जेएजेएन ने जब ग्राउंड जीरो में जाकर पड़ताल की तो सामने आए सच ने हर किसी को झकझोर डाला।
हाँ, ये रोडवेज के पास एक अशोका होटल है जहाँ एक व्यक्ति जिनका नाम देवकी नंदन जोशी है, उम्र 44 साल, जो देवलचोड़ रामपुर रोड हल्द्वानी के रहने वाले हैं, तो कल इनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इनके परिवार वालों ने बताया था कि ये मिल नहीं रहे हैं और अचानक से फिर होटल वालों का फ़ोन आया कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ ठहरा है। फिर जब वहाँ होटल में जाके होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया तो फिर अंदर इनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला और उस शव के बगल में एक सेल्फास की शीशी और एक दारू की बोतल भी मिली। तो प्रथम दृष्टया पता लगता है कि शायद सुसाइड किया होगा क्योंकि दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद था और बाहर से तोड़ा गया था। बाकी घर वालों से और बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है और फिर इनके शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बीते कुछ समय से हल्द्वानी में आपराधिक घटनाओं और इंसानी जीवन समाप्त होने का ग्राफ हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब इसे प्रशासन की नाकामी कहें या लापरवाही या फिर ये हमारी ही एक समाज के रूप में नाकामी है, इस बहस का शायद ही कोई निष्कर्ष कभी निकल पाए। मगर एक बात तय है कि अगर ये ग्राफ कम नहीं हुआ तो इंसानी जीवन का ग्राफ जरूर कम होता जाएगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारा चैनल ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर जाकर हर घटना का सच आपके सामने लाता रहेगा। बने रहिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।